इट हैज़ वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड एरिया वाइज़ इट इज़ दैवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जहाँ लोगों ने रहना शुरू किया था वर्ल्ड में सबसे पुरानी सिविलाइजेशन यहीं से इंडिया से स्टार्ट हुई थी एंड एरिया वाइज अगर हम एरिया की बात करें तो ये वर्ल्ड की सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है ओके okay? तो हम इंडिया के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलरस कंट्री इन द वर्ल्ड वर्ल्ड में संसार में इंडिया सेकंड नंबर पर आती है मोस्ट पॉपुलर यानी सबसे ज्यादा लोग जो रहते हैं फर्स्ट इज चाइना एंड द सेकेंड इज इंडिया सौ करोड़ in India. India से भी ज्यादा लोग बसे हुए हैं वर्ल्ड कंट्री और हमारा पड़ोसी देश चाइना जो है चीन जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है सबसे ज्यादा लोग चाइना में रहते हैं चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया वाइल इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द एशियन कॉन्टिनेंट और एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसका महाद्वीप एशिया महाद्वीप की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है चाइना और हमारा इंडिया सेकेंड नंबर पर आता है फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इट इज़ अबाउट 3,200 थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर लॉन्ग एंड फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट इट इज़ अबाउट थ्री थाउजेंड किलोमीटर लॉन्ग अगर हम बात करें इसके एरिया की दिस इज़ नॉर्थ दिस इज साउथ दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़

3000 किलोमीटर इट हैज़ मैनी हाई माउंटेन रेंजेस रिवर्स एंड प्लेन्स इंडिया में बहुत हाई माउंटेन्स हैं बहुत ऊँची ऊंची माउंटेन हैं रेंजेस और रिवर्स हैं और प्लेन्स भी हैं मैनी कंट्रीज़ हैव कॉमन बाउंड्री विद इंटिया बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ऐसे बहुत सारे पड़ोसी देश हैं हमारे जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं दीज आर कौन कौन से पड़ोसी देश हैं हमारे दीज आर पाकिस्तान अफग़ानिस्तान नेपाल भूटान चाइना म्यांमार एंड बांग्लादेश तो ये बच्चों हमारे पड़ोसी राज्य हैं पड़ोसी देश हैं जो हमारे इंडिया की बाउंड्री को शेयर करते हैं श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो स्ट्रेट कोल्ड द पाक स्ट्रेट इन द साउथ श्रीलंका दिस इज श्रीलंका तो ये एक नैरो स्ट्रेट है दिस इज यहाँ आपकी इस स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट इससे इंडिया और श्रीलंका को ये पाक स्ट्रेट सेपरेट करती है अलग अलग करती है नाउ फिजिकल डिविजन्स

माउंटेंस इन द नॉर्थ वी हैव द ग्रेट हिमालय रेंज दिस रेंज हैज़ वन ऑफ द हाइस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट द हाइट इज एट थाउजेंड एट फोर्टी एट मीटर द पीक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर माउंटेन नॉर्थ जो है हमारा पूरा इंडिया का वो ग्रेट हिमालय के साथ कवर है दिस पार्ट ओके तो नर्दन पार्ट जो है वो ग्रेट हिमालय रेंज के साथ कवर है और इसमें हाईएस्ट पीक भी है जो सबसे ऊंची चोटी है वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट वो हमारे ग्रेट हिमालयस में लोकेटेड है जिसकी हाइट है 8,848 मीटर द पीक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर और पूरे साल यहाँ की जो चोटियां हैं यहाँ के जो पहाड़ हैं वो बर्फ के साथ घिरे रहते हैं मैनी रिवर्स लाइक द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र राइज इन द हिमालय बहुत सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं जैसे कि गंगा है ब्रह्मपुत्र है वो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं हिमालय से निकलती हैं देर आर सम माउंटेंस इन देंट्रल एंड साउथ इंडिया टू कुछ माउंटेंस हमारे सेंट्रल इंडिया में भी हैं और कुछ साउथ इंडिया में भी हैं दतपुड़ा हिल्स आर इन देंट्रल इंडिया एंड द मेजेस्टिक नीलगिरी हिल्स इन द साउथ इंडिया और जो नीलगिरी हिल्स जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं लुभावनी लगती हैं वो साउथ इंडिया में लोकेटेड हैं और सतपुड़ा हिल्स जो हैं वो हमारे सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड हैं अब हम बात करते हैं नर्दन प्लेन्स की द फ्लैट एंड लेवल लैंड ऑफ इंडिया आर द नर्दन प्लेन जो फ्लैट हम कहें समतल लेवल लैंड जो होती है उबड़ खाबड़ नहीं होती है उसको कहते हैं प्लेन्स और नर्दन प्लेन्स हैं हमारे इंडिया में नॉर्थ साइड में लाई करते हैं दे लाई इन द साउथ ऑफ द हिमालयस हिमालय के साउथ में यानी हिमालय से जस्ट बिलो हिमालय के नीचे हिमालय के जो रेंज हैं हिमालय के जो पहाड़ हैं उसके जस्ट नीचे हमारे नर्दन प्लेन्स हैं दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज द गंगेटिक प्लेन्स और इस एरिया को गंगेटिक प्लेन्स भी बोलते हैं मैनी रिवर्स लाइक द गंगा यमुना रवि सतलुज एटसेट्रा फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स बहुत सारी नदियां यहाँ से फ्लो करती हैं यहाँ से बहती हैं जैसे गंगा यमुना रवि सतलुज और भी काफी नदियां हैं मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप आर grown हेयर एज द रिवर्स मेक द एरिया फर्टाइल यहाँ बहुत सारी फसलें ग्रो होती हैं बच्चों क्योंकि यहाँ इतनी सारी नदियाँ बहती हैं तो वो वहाँ के एरिया को बहुत उपजाऊ फर्टाइल बना देती है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप की क्रॉप डिफरेंट टाइप की क्रॉप ग्रो होती हैं फसलें ग्रो होती हैं नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड आर फाउंड अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और कुछ नैरो स्ट्रिप यानी बहुत थोड़ी थोड़ी जगह हैं, थोड़ी सी पट्टी जो है प्लेन लैंड की वो कहीं कहीं ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पर भी मिलती है यानी किनारे ईस्टर्न जो पश्चिम और पूर्व के जो कोस्ट हैं इंडिया के वहाँ भी थोड़े बहुत प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं दिस प्लेन्स मीट एट अ प्लेस कोल्ड कन्याकुमारी इन द साउथ और ये दोनों एक जगह पर मिलते हैं साउथ में जिस प्लेस का नाम है कन्याकुमारी द रिवर्स विच फ्लो थ्रो दीज प्लेन्स आर और साउथ में कौन कौन से रिवर यहाँ से फ्लो करती हैं नर्मदा रिवर ताप्ती महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी अब हम बात करते हैं प्लेट्यू प्लेट्यू क्या होता है बच्चों प्लेट्यू इज द सर्दन पार्ट ऑफ द इंडिया लुक्स लाइक अ कॉन ऑन द मैप एंड हैज अन एंड फ्लैट सरफेस जो सर्दन पार्ट है इंडिया का वो थोड़ा सा एक कॉन दिखता है टेबल टॉप दिखता है फ्लैट नहीं दिखता है दिस पार्ट ओके तो इस पार्ट को हमने नाम दिया है प्लेट्यू का जो ना ही प्लेन होता है ना ही एक पहाड़ माउंटेन की फॉर्म में होता है इट इज़ हायर देन सराउंडिंग प्लेन्स बस जो आसपास के जो प्लेन होते हैं उससे वो थोड़ा ऊपर होता है द लैंड विच इज़ फ्लैट एंड हायर देन इट्स सराउंडिंग एरिया इज कोल्ड प्लेट्यू ऐसे लैंड जो फ्लैट होती है लेकिन अपने आसपास के एरिया से थोड़ा ऊपर होती है हाई होती है उस लैंड को कहते हैं प्लेट्यू द सर्दन प्लेट्यू कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री जो सर्दर्न प्लेट्यू है वो कंट्री का लार्जेस्ट पार्ट है यानी साउथ का जो पार्ट है वो एक तरीके से प्लेट्यू में ही कवर है एंड द लैंड इन दिस पार्ट इज़ हार्ड एंड रोकी और यहाँ की जो लैंड है प्लेट्यू की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है बहुत मजबूत होती है और बहुत ज़्यादा रोकी यानि पथरीली होती है एरिया इज लेस फर्टाइल देन द प्लेन ये जो एरिया है ये कम उपजाऊ होता है जितना की प्लेन में जितना हम खेती कर पाते हैं यहाँ इतनी खेती नहीं कर पाते हैं अब हम बात करते हैं डेजर्ट की डेजर्ट अ डेजर्ट इज अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड हैविंग वेरी लिटिल वॉटर एंड वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रोइंग ऑन इट डेजर्ट एक ऐसा लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है जहाँ पर बहुत कम मात्रा में पानी मिलता है और बहुत कम ही आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे क्योंकि वहाँ पानी नहीं होगा तो प्लांट्स भी ग्रो नहीं होंगे इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट अगर हम इंडिया के मैप की बात करें तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है दिस पार्ट दैट पार्ट इज़ कोल्ड डेजर्ट ओके और इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है यहाँ थार डेजर्ट The people lead a tough life here. यहाँ लोग बहुत मुश्किल वाली लाइफ See the picture of desert here. Now, during summers in the daytime, it is very hot and dry. जो गर्मियों का जो टाइम होता है समर्स का जो टाइम होता है दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वो सूखा वहाँ होता है द नाइट्स आर क्वाइट प्लेजेंट इन समर्स व कूल ड्यूरिंग विंटर लेकिन जो रात है वो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक होती हैं लेकिन दिन का टाइम समर्स में बहुत मुश्किल होता है लेकिन जो विंटर्स हैं वहाँ वो कोल्ड होती हैं ठंडी होती हैं इट रेन्स लिटिल इन द डेजर्ट एरिया देर आर वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज विच ग्रो हेयर यानी में बहुत कम पानी होता है बहुत कम बारिश होती है और यहाँ बहुत कम ही प्लांट ग्रो होते हैं ऐसे प्लांट ग्रो होते हैं ऐसे ट्रीज ग्रो होते हैं जिनको पानी की जरूरत बहुत कम होती है ओके नाओ हम बात करते हैं पेनसुल्हा की पेनेंसूला लार्ज वाटर द सर्दन पार्ट ऑफ इंडिया द लैंड विच इज सराउंडेड बाई वॉटर ऑन थ्री साइड इज कॉल्ड पेनंसुला पेनन्सुला क्या होता है लार्ज वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स अराउंड द सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंडिया के मैप की हम बात करें अगर साउथ का जो पार्ट है सर्दर्न जो पार्ट है वो तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है पानी से तो ऐसा लैंड लैंड एरिया ऐसा एरिया ऐसी धरती ऐसी जमीन जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है उसको नाम दिया गया है पेनिनसुला का द इंडियन पेनिनसुला हैज द अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड द बे ऑफ बेंगोल ऑन द ईस्टर्न साइड एंड द इंडियन ओशियन ऑन द सर्दर्न साइड जो इंडियन पेनिनसुला है उसमें जो अरेबियन सी जो है आपका वो वेस्टर्न साइड में है बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न में है और इंडियन ओशियन उसके साउथ में है तो तीनों साइड से आप देखोगे साउथ में इंडिया का जो मैप है तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है तो इसका जो साउथ का पार्ट है दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला ओके नेक्स्ट आईलैंड आईलैंड द लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वॉटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन आईलैंड जो ऐसी ज़मीन ऐसी लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है उसको क्या कहते हैं आइलैंड कहते हैं दे आर मैनी आइलैंड इन द वॉटर बॉडीज़ अराउंड इंडिया इंडिया के आसपास जो वाटर बॉडीज़ हैं जो महाद्वीप हैं, जो ओशियन है वहाँ बहुत सारे आइलैंड देखने को मिलते हैं सम ऑफ दीज आइलैंड आर अ पार्ट ऑफ इंडिया वन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल इज कोल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और इन आइलैंड्स में से बहुत सारे पार्ट इंडिया के पार्ट हैं इंडिया में आते हैं ये और एक बहुत बड़ा ग्रुप है आइलैंड का बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जिसका नाम है अंडमान और निकोबार आइलैंड द तो लक्षद्वीप आइलैंड इज इन द अरेबियन सी और दूसरा आइलैंड है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है तो बच्चों हमारी कंट्री के बारे में आपने पढ़ा कि कितने फिजिकल फीचर्स हैं इसमें कितने सुंदर है इंडिया कितना सुंदर दिखता है तो तो इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ेंगे चैप्टर को दोबारा रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे